हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल प्रमोद पाठक मार्शल आर्ट एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पर मिलते हैं मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के बेहतरीन टेक्निक जो काफी सिंपल और इफेक्टिव होते हैं। दोस्तों, व्यूअर्स के डिमांड पर कि सर बिगनर्स के लिए वीडियो बना करके लाइए, मोर देन 500 वीडियोस आपका अपलोड है यूट्यूब पर हम लोग सीखना चाहते हैं शुरुआत से, तो कौन सा वीडियो से शुरू करें? तो आप लास्ट का वार्म अप वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद जॉगिंग का वीडियो आज मैं लेकर के आ रहा हूं। जॉगिंग में सबसे पहले मार्शल आर्ट में करना क्या होता है, जॉगिंग करना होता है, बॉडी को वार्म अप करना होता है। कई डॉक्टर्स जो हैं मरीजों को बताते हैं कि आप वार्म अप कीजिए, जिसमें कि जॉगिंग शामिल होता है। तो जॉगिंग क्या है ये पहले मैं बताता हूँ। मार्शल आर्ट में जॉगिंग का कौन कौन सा एक्सरसाइज और कैसे होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जॉगिंग जो है वॉकिंग नहीं, वॉक आप जब करते हैं तो नॉर्मल करते हैं, और रनिंग भी नहीं जो बहुत स्पीड से करते हैं, ये दोनों के बीच का है जिसे जॉगिंग कहते हैं। बॉडी को हल्का हल्का आपको लेके दौड़ना है, हल्का हल्का वार्म अप करना है, जिसको जॉगिंग कहते हैं। ना आप चल रहे हैं ना दौड़ रहे हैं, बल्कि आप जॉगिंग कर रहे हैं। तो जॉगिंग आप देखेंगे कि मार्शल आर्ट में किस तरह से करना है और कौन कौन सा एक्सरसाइज आपको जॉगिंग के दौरान लेना है, जिसमें मैं तीन पार्ट में इसमें मैं दिखा रहा हूं। पहला है लोअर पार्ट। जॉगिंग के दौरान कई लोग इस तरह से दौड़ते हैं ऐसे ऐसे, जो कि गलत है। जॉगिंग में आपको पंजे पे दौड़ रहे हैं ना कि हिल पे, हिल उठा हुआ रहेगा ऐसे, और इस तरह से आपको दौड़ना है, इस तरह से दौड़ना है, आसान है, इस तरह से दौड़ना है। तो जॉगिंग में आपको समझ में आ गया होगा कि पंजे पे नहीं, पूरा पैक और फ्लैट रख के नहीं दौड़ना है, बल्कि आपको टॉप पे दौड़ना है। जो उंगलियों के नीचे गद्दा होता है उस गद्देदार भाग को जमीन पर रखना है और आपको दौड़ना है। दूसरी बात है, जब आप जॉगिंग कर रहे हो तो आप सांस नाक से लेंगे और नाक से छोड़ेंगे, मुंह से सांस नहीं लेना है, और पूरी तरह से सांस लेके फेफड़े में भरते जाएंगे और फिर फेंकते जाएंगे, सांस के द्वारा निकालते जाएंगे। दूसरा बात, जॉगिंग में आपको स्पीड का ध्यान रखना है। जॉगिंग में आप यदि धीरे चलते हैं तो वॉकिंग हो जाएगा, फिर जॉगिंग का कोई मतलब नहीं होगा, और बहुत तेज दौड़ते हैं जॉगिंग करने लगे तो रनिंग हो जाएगा, फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ बॉडी को वार्म अप करना, पूरा बॉडी को वार्म अप करना। यदि आप ऐसे पंजे पे दौड़ते हैं इस तरह से, तो बॉडी का जॉइंट, एंकल का जॉइंट है ना, उसके बाद नी का जॉइंट, यहाँ वेस्ट का जॉइंट, सब प्रेशर पड़ता है और वो जो है पूरी तरह से खेलता है। जिसमें प्रेशर नहीं पड़ेगा, झटका नहीं लगेगा, तो पूरा बॉडी वार्म अप होता है जॉगिंग से। ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, नॉर्मल स्पीड में स्पीड को मेंटेन करना है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि मार्शल आर्टिस्ट इसको समझते हैं, मार्शल आर्टिस्ट इसको पूरी तरह से समझ करके और पूरे साइकोलॉजिकल ढंग से इसे समझते हैं, साइंटिफिक ढंग से समझ करके वार्म अप करते हैं। तो जॉगिंग में तीसरा पॉइंट कि कई लोग जॉगिंग करते हैं तो हाथों को कभी ऐसा रख करके दौड़ते हैं, कोई ऐसा रख करके दौड़ रहे हैं, ऐसा कोई इस तरह से करके दौड़ रहे, नहीं, आपको जॉगिंग जब करेंगे तो हाथों को पूरी तरह से आगे पीछे करना है, इस तरह से ऐसा ऐसा, ताकि आपका शोल्डर ठीक है, आपका एल्बो और पूरा गर्दन, पूरा बैक पोर्शन भी मूवमेंट होता रहे, पूरा वार्म अप होता रहे। तो देखिए, जब आप जॉगिंग करेंगे आपके हाथ इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से आप जॉगिंग करेंगे, इस तरह से। तो जॉगिंग का बहुत छोटा सा वीडियो था, क्योंकि वार्म अप से पहले जॉगिंग करना जरूरी है, और इसे आप पूरी क्षमता के अनुसार जितना आप कर सकते हैं, 2 से लेकर 5 मिनट तक आपको जॉगिंग करना है शुरुआत में बिगनर्स के लिए। जॉगिंग होने के बाद आप फिर से वार्म अप करेंगे, जो वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब में आप देखेंगे, लिंक भी मैं डाल दूंगा। तो वार्म अप पूरी तरह से करेंगे, और वार्म अप का 2 वीडियो डाला हुआ मेरे पास, एक वीडियो फुल वार्म अप है और दूसरा जॉइंट को फ्री करने का वार्म अप है। उसके बाद फिर किक, पंच, ब्लॉक्स, काता, कुमिते का प्रैक्टिस करेगा। तो दोस्तों, वार्म अप एक छोटा सा वीडियो था जो हर मार्शल आर्टिस्ट को सीखना चाहिए, पूरी तरह से सीखना चाहिए, ताकि आपके बॉडी में कहीं जर्क नहीं लगे, मसल्स पेन नहीं हो, जॉइंट पेन नहीं हो, और आप पूरी अच्छी तरह से अपना मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस कर सके और एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बन सके। तो वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि लोग घर बैठे सेल्फ डिफेंस सीख सके और दुश्मनों को सबक सिखा सके। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलिए। दोस्तों, बेल आइकन दबाते ही आप मेरे चैनल का मेंबर बन जाते हैं।
कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा वीडियो कैसा लगा और किस तरह का वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, वैसा वीडियो देख करके मैं आपके बीच आऊंगा। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, बिगनर्स के लिए वीडियो है, शुरुआत में कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जॉगिंग से शुरू करेंगे, फिर वार्म अप करेंगे, फिर मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।